नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। सीएम एकनाथ शिंदे ने किसी का भी नाम लिए बगैर कहा कि उनका समर्थन करने वाले शिवसेना के 40 विधायकों में से एक भी अगर अगला चुनाव हार गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो शिंदे ने ये भी कहा कि उद्धव गुट को आत्ममंथन करना चाहिए, हमारी आलोचना करने वालों के खिलाफ कोई मामला नहीं है और हमारे खिलाफ सैकड़ों मामले हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अभी भी उम्मीद है कि कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्री पद से चूक जाने वाले बागी विधायक ठाकरे के पास अवश्य आएंगे। तो उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सीएम के गांव में हेलीपैड होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छात्रों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस बीच शिंदे फडणवीस सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राज्य की ब्यूरोक्रेसी में नए सिरे से बदलाव की योजना बनाई है। प्रदेश भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के उस बयान पर खुली चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बागी विधायकों को चुनाव का सामना करना चाहिए। सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि उनका समर्थन करने वाले शिवसेना के 40 विधायकों में से एक भी अगर अगला चुनाव हार गया तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो विद्रोही हार जाएंगे। इस पर शिंदे ने कहा कि हमारे गुट का कोई विधायक नहीं हारेगा, मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है, अगर इनमें से कोई भी हारता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, यह सब लोगों द्वारा तय किया जाता है, मतदाता तय करते हैं। एकनाथ शिंदे प्रभा देवी में शिवसेना के बागी विधायक संजय सिरसाट को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बाद में शिवसेना ने बागी विधायक अब्दुल सत्तार के लिए इसी तरह के एक समारोह को भी संबोधित किया। इससे पहले भी नई सरकार द्वारा विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके साथ के सभी विधायक निर्वाचित हो और उनकी टीम और भाजपा को अगले विधानसभा चुनाव में 200 सीटें मिले, अगर ऐसा नहीं हुआ तो खेतों में चला जाऊंगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने दिवंगत शिवसेना नेता आनंदीगे के जीवन पर एक फिल्म बनाई थी जिसे लोगों ने पसंद भी किया था, लेकिन कुछ लोग इसे पछा नहीं पाए और उस पर अपना गुस्सा निकाला। अंत में क्या गलत हुआ था इसके बारे में आत्मनिरीक्षण करने के बजाय उद्धव गुट का नेतृत्व उन्हें और उन विधायकों को देशद्रोही कह रहा है जिन्होंने उनका समर्थन किया है। शिंदे ने कहा कि हमने धर्मवीर आनंदीगे के जीवन पर एक फिल्म बनाई ताकि उनका जीवन और काम लोगों को दिखाया जा सके। दिघे ने ठाणे और पालघर में शिवसेना को आगे बढ़ने में मदद की और उनकी तस्वीर हर घर में है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया, समय आने पर मैं जरूर बोलूंगा आप सभी को फिल्म अच्छी लगी लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, कुछ लोग इस फिल्म को पचा नहीं पाए और उन्होंने मुझ पर अपना गुस्सा भी निकाला, लेकिन मुझे परवाह नहीं है कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं, हम बाला साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उद्धव गुट को आत्ममंथन करना चाहिए था, हमारी आलोचना करने वालों के खिलाफ कोई मामला नहीं है और हमारे खिलाफ सैकड़ों मामले हैं। मैं तो शिवसेना के लिए जेल भी गया हूँ, सच हमेशा सच ही रहेगा और यह भी उतना ही सच है कि भाजपा को नीचा दिखाने के लिए एक बेमेल गठबंधन किया गया जो प्रदेश की जनता के आदेश का सीधा उल्लंघन था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अभी भी सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। उन्हें लगता है कि एकनाथ शिंदे सरकार के आगामी कैबिनेट विस्तार के बाद जो बागी विधायक मंत्री पद से चूक जाएंगे वे ठाकरे के पास आ जाएंगे। शिंदे कैंप में शिवसेना के 40 विधायक हैं और अन्य छोटे दलों और निर्दलीय के लगभग 10 विधायक हैं। सांसद विनायक राउत ने कहा कि अगर बागी विधायकों को कोई बर्थ नहीं मिली तो वे शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास आएंगे। राउत के दावे से पता चलता है कि शिवसेना कैबिनेट विस्तार को कितनी उत्सुकता देख रही है। शिवसेना और एनसीपी नेतृत्व का भी मानना है कि भाजपा शिंदे समूह ने जानबूझकर 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार की योजना बनाई है, क्योंकि उन्हें डर है कि जिन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा वे विधायक राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ शिंदे ने कहा
कि उनकी सरकार भी स्थिर है और 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। किसी को भी जबरन नहीं लाया गया है। 8 मंत्री पिछली सरकार छोड़कर हमारे पास आए हैं। ये विधायक किसी उम्मीद के साथ मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। इस बीच ठाकरे खेमे में राज्य सरकार पर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम क्रमशः संभाजीनगर और धाराशिव करने के लिए तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा किए गए निर्णय को रोकने का आरोप लगाया। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्ना वरले और न्यायमूर्ति श्रीकांत कुलकर्णी ने हाल ही में एक समाचार रिपोर्ट को संज्ञान लिया कि कैसे एकनाथ शिंदे के गांव के साथ साथ 104 गांव में सड़क और पुल नहीं है, लेकिन शिंदे के गांव में 2 हेलीपैड है और ये बहुत दिलचस्प है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हेलीपैड होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छात्रों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। वे खिरखंडी की लड़कियों की दुर्दशा पर जारी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। जवाली तालुका के इस गांव के छात्रों को नदी से कोयना नदी पार कर और उसके बाद जंगल के रास्तों से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। अदालत ने कहा कि गांव के लड़के लड़कियों के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि उन्हें स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, विशेष रूप से लड़कियों को कोई परेशानी न हो। न्यायमूर्ति वराले ने कहा जो भी संभव हो वह करे, इसका सबका स्थायी समाधान खोजे। न्यायाधीशों ने मुख्य सचिव को शहरी और विकास, सामाजिक न्याय और शिक्षा सहित विभागों के सचिवों के साथ बैठक कराने का निर्देश दिया। उनकी राय लेने के बाद मुख्य सचिव एक स्थायी समाधान का रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसी दौरान न्यायमित्र अधिवक्ता संजीव कदम ने कहा कि मुख्यमंत्री का गांव भी कोयना नदी से प्रभावित है। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राज्य की ब्यूरोक्रेसी में नए सिरे से बदलाव की योजना बनाई है। इस बदलाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कई करीबी अफसरों को सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया जाएगा। शिंदे फडणवीस इन अफसरों के सहारे ही अपनी सरकार के कामकाज गति देना चाहती है। पिछली सरकार ने 30 जून तक तबादलों पर रोक लगा रखी थी। ऐसे में कई अधिकारियों का बदला सामान्य तौर पर भी होना ही था। कई अधिकारियों का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जबकि केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए कई अधिकारी भी वापस आने की योजना बना रहे हैं। आईएएस अधिकारियों के साथ साथ आईपीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर की लिस्ट पर भी मंथन हो रहा है। नौकरशाही में मौजूद सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में नगर विकास मंत्रालय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगा। नगर विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत 1990 बैच के आईएएस अधिकारी भूषण गगरानी को मुख्यमंत्री कार्यकाल में मुख्यमंत्री का सचिव बनाया जा सकता है, तो प्रवीण दराडे को एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में पदस्थ किया जा सकता है। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में आज उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है, तो कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है कि पार्टी के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल ने 2002 के दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। वही गोल्डी बरार ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि विक्की मिद्दूखेड़ा मामले के बाद सिद्धू मूसेवाला ने 2 करोड़ रुपए में समझौते की पेशकश की थी, जिसे उसने ठुकरा दिया था। तो उधर देश में शुक्रवार से प्री बूस्टर डोज के 75 दिन के अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के पहले ही दिन लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसी बीच डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने व अखबार के बराबर मानने के लिए केंद्र सरकार एक बिल लेकर आ रही है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भाजपा संसदीय बोर्ड की आज शाम 6 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में भाजपा उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहेंगे। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों की बैठक 17 जुलाई को होने वाली है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी दलों की रविवार को बैठक होगी और इस पर चर्चा होगी कि उपाध्यक्ष पद के लिए उनका संयुक्त उम्मीदवार कौन होगा। देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की राह काफी आसान है। बीजेपी खेमे से उपराष्ट्रपति पद के लिए मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, आरिफ मोहम्मद खान, कैप्टन अरिंदर सिंह और नजमा हेपतुल्ला जैसे नामों की चर्चा है।
हालांकि बीजेपी अक्सर ऐसे पदों पर कैंडिडेट के नाम से सियासी पंडितों को चौंकाती रहती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। मौजूद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। अगले उपाध्यक्ष 11 अगस्त को शपथ लेंगे। कांग्रेस ने शनिवार को पार्टी के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के खिलाफ आरोपों का खंडन किया कि उन्होंने 2002 के दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल ने कल अदालत के समक्ष दलील की कि तीस्ता सीतलवाड नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की बड़ी साजिश का हिस्सा थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक प्रतिशोध मशीन स्पष्ट रूप से उन दिवंगत लोगों को भी नहीं बख्शती जो उनके राजनीतिक विरोधी थे। ये SIT अपने सियासी आका की धुन पर नाच रही है और जहाँ कहा जाएगा वही बैठ जाएगी। हम जानते हैं कि कैसे एक पूर्व SIT प्रमुख को मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने के बाद एक राजनयिक कार्य के साथ पुरस्कृत किया गया था। पुलिस का ये भी आरोप है कि सीतलवाड को गुजरात में निर्दोष व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए विरोधी दल से पैसे और पुरस्कार मिले। वही गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल ने अहमदाबाद में सत्र अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि इस बड़ी साजिश को अंजाम देते हुए सीतलवाड का राजनीतिक उद्देश्य निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करना या अस्थिर करना था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वो दावा करता है कि विक्की मिद्दू खेड़ा मामले के बाद गायक ने 2 करोड़ रुपए में समझौते की पेशकश की थी जिसे उसने ठुकरा दिया। माना जाता है कि गोल्डी बरार कनाडा में कहीं छिपा हुआ है। वीडियो को कम रोशनी में शूट किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो में गोल्डी अपना चेहरा ढककर बोल रहा है। उसने कहा कि मूसेवाला को एक सिख शहीद के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है, इसलिए वो वीडियो शूट करने पर मजबूर हुआ। बरार ने कहा कि वो शहीद नहीं है, अपने गानों के जरिए उसने अपनी छवि बनाई। वो बार बार गलतियां करता था जिसके लिए उसे दंडित किया गया। हमने भारतीय न्याय प्रणाली के एक्शन लेने का इंतजार किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानून आम लोगों के लिए है, बड़े सितारों, नेताओं और उनके दोस्तों के लिए नहीं। गोल्डी बरार ने कहा कि वो मिद्दू खेड़ा हत्याकांड के बाद मध्यस्थों के माध्यम से रहम की भीख मांग रहा था। उन्होंने मुक्तसर के कुछ युवाओं के जरिए हमें अपनी जान के बदले 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश की लेकिन हमने इसे ठुकरा दिया। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने जाली पासपोर्ट हासिल करने में लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे की मदद के आरोप में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में शुक्रवार से फ्री बूस्टर डोज के 75 दिन के अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के पहले ही दिन लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहले दिन 13,30,000 लोगों ने बूस्टर डोज ली। इस तरह बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या में पहले ही दिन 16 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली। इससे पहले गुरुवार तक देश में सिर्फ 78 लाख लोगों ने बूस्टर डोज ली थी। 10 अप्रैल से बूस्टर डोज उपलब्ध होने के बाद बूस्टर डोज का रोजाना औसतन 81,000 डोज लगाई जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग में बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या 90 लाख के पार हो गई है। वहीं 60 साल से अधिक उम्र के 2.78 करोड़ लोग भी बूस्टर डोज ले चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल निर्माण भवन में वैक्सीनेशन कैंप में कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव की शुरुआत की। कैंप के बाहर कई अधिकारी तथा कर्मचारी बूस्टर डोज लेने के लिए लाइनों में खड़े नजर आए। एक ऑफिशियल सोर्स ने बताया कि अभी तक 18 से 59 साल की 77.10 करोड़ पात्र आबादी में से 1% से भी कम को बूस्टर डोज दी गई है। 60 साल से अधिक उम्र के 16.80 करोड़ लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे के कर्मियों से 25.84% लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं। डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने व अखबार के बराबर मानने के लिए केंद्र सरकार एक बिल लेकर आ रही है। इस बिल को कानूनी मान्यता मिलने के बाद न्यूज पोर्टल को भी अखबारों की तरह पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाएगा। अभी तक ये नियम सिर्फ समाचार पत्रों पर ही लागू है। दरअसल केंद्र सरकार 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को खत्म करने जा रही है। इसके स्थान पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल लाया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान ही इस बिल को पेश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक ये विधेयक प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम 1867 की जगह लेगा।
इसके तहत मध्यम व छोटे प्रशासकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल रखा जाएगा और प्रेस की स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखा जाएगा। सरकार ने 2019 में ही प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल का मसौदा जारी किया था, जिसमें समाचार पत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के अलावा डिजिटल मीडिया को अपने दायरे में लाने का प्रावधान है। 2019 के ड्राफ्ट बिल में डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजिटल प्रारूप में समाचार के रूप में परिभाषित किया था, जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शरीफ परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने सरकार के पैसों से अपनी संपत्ति खड़ी की है। सरकारी बैंकों से लोन लेकर 18 उद्योग स्थापित किए और उसे चुकाया नहीं, तो श्रीलंका में इन दिनों ईंधन के लिए आम लोग परेशान हैं। युवा क्रिकेटर चमिका करुणारत्ने भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होने के कारण मैच प्रैक्टिस के लिए नहीं जा सके। वहीं ब्रिटेन में भयंकर गर्मी से लोग परेशान हैं, जलाशय सूख चुके हैं। एक जलाशय में तो 17वीं शताब्दी के एक प्राचीन गाँव का खंडर नजर आने लगा। तो उधर ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर चीन के साथ तनाव होने के बाद भारतीय सेना अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए भी अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से 2018 में मारे गए सऊदी पत्रकार जमाल खगोशी का मामला उठाया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पंजाब के झांग जिले के 18 हजारी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि पिछले सांसद जिन्हें आपने चुना था वो विरोधी निकल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विरोधी वोट हासिल करने के बाद संसद में जाता है और फिर पैसों के लालच में अपना जनादेश बदल देता है। इमरान खान ने इस जलसे में शरीफ परिवार पर निशाना साधा और कहा कि नवाज शरीफ ने सरकार के पैसों से अपनी संपत्ति खड़ी की है। उन्होंने कहा कि हमें अपने मुल्क को अमेरिका का गुलाम बनने से बचाना होगा। खान ने कहा कि 40 साल पहले जब नवाज शरीफ क्रिकेट खेलने जाते थे तो अपना अंपायर लेकर जाते थे। शरीफ ने सरकारी बैंकों से लोन लेकर 18 उद्योग स्थापित किए और उसे चुकाया नहीं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर निशाना साधते हुए इमरान खान ने कहा कि 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय रेडियो पर इंडियन आर्मी की बहादुरी की कहानी प्रसारित होती थी, जिनमें बताया जाता था कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन वे सभी कठिनाइयां झूठी थी। भारतीय रेडियो की तरह मरियम नवाज भी झूठ बोलती है। जलसे में इमरान खान ने शरीफ परिवार के सदस्यों को ऑडियो टेप भी सुनाए। श्रीलंका में इन दिनों ईंधन के लिए आम लोग परेशान हैं। यहां तक कि युवा क्रिकेटर चमिका करुणारत्ने भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होने के कारण मैच प्रैक्टिस के लिए नहीं जा सके। करुणारत्ने को अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए 2 दिन का इंतजार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि हम बड़ी समस्या में हैं। मैं पिछले 2 दिनों से तेल भरवाने के लिए कतार में खड़ा हूँ। मैंने इसे 10,000 रुपये में भरवाया है, जो सिर्फ 2-3 दिनों तक ही चलेगा। बता दें कि आर्थिक बदहाली के बावजूद देश में क्रिकेट का आयोजन जारी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहां का दौरा किया। अब पाकिस्तानी टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए यहां आई है। करुणारत्ने ने श्रीलंका के लिए साल 2019 में डेब्यू किया था, लेकिन देश के मौजूदा हालात से वह काफी निराश है। करुणारत्ने ने कहा कि किस्मत से मुझे 2 दिन के इंतजार के बाद पेट्रोल मिला। देश में तेल खत्म हो चुका है, गाड़ी होने के बावजूद मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पा रहा हूं। एशिया कप का आयोजन होने वाला है और इसी साल श्रीलंका प्रीमियर लीग के मैचों की भी घोषणा की जा चुकी है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए कोलंबो और अलग अलग जगहों पर जाना है और क्लब सीजन में भाग लेना है, लेकिन पेट्रोल के कारण मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। ब्रिटेन इस वक्त भयानक गर्मी से जूझ रहा है। वहाँ के कई शहरों में जल संकट पैदा हो गया है, जलाशयों में पानी नहीं है। इसी बीच एक अजूबा हुआ, एक जलाशय का जल स्तर नीचे गिरने के बाद उसमें 17वीं शताब्दी के एक प्राचीन गांव का खंडहर नजर आने लगा। जानकारों के अनुसार वेस्ट एंड एक छोटा सा गांव था, जिसे 1966 में उत्तरी यॉर्कशायर के हैरोगेट के पास थ्रस्ट क्रॉस जलाशय बनाने के लिए खाली करवा कर पानी में डुबो दिया गया था, ताकि आसपास के जलाशयों में पानी भरा जा सके। अब तापमान और पानी के इस्तेमाल में बढ़ोतरी और जल स्तर में गिरावट के कारण प्राचीन गांव के अवशेष बाहर आ गए हैं। ये शहर अलसी के एक मिल के आसपास बसा था, जो छोटे से गांव का प्रमुख उद्योग था। हालांकि शहर में बाढ़ आने तक उद्योग धीरे धीरे खत्म हो गया था, जिसके कारण लोगों ने वेस्ट एंड को आंशिक रूप से छोड़ दिया था।
कई वर्षों से मिल के अवशेष पानी के किनारे देखे जाते हैं, लेकिन पूरा खंडहर सूखे के समय ही सामने आता है। जब जल स्तर नीचे चला जाता है, पूरे ब्रिटेन की वाटर फर्मों का कहना है कि तापमान बढ़ने के साथ पानी की बढ़ती मांग के कारण साल के इस समय जलाशयों का स्तर औसत से काफी नीचे चला गया है। अगले हफ्ते की शुरुआत में 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी की संभावना है। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर चीन के साथ तनाव होने के बाद भारतीय सेना अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए भी अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। वैसे तो सेना के पूर्वी कमान में पहले से ही इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन अब सेना की उत्तरी कमान ने LAC पर तैनात सैनिकों को अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग देनी शुरू की है। पहली बार इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू किया गया है। सेना के उत्तरी कमान के पास ही जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक LOC और LAC का जिम्मा है। LAC पर चीनी सैनिकों से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों को इजरायली मार्शल आर्ट्स कव मागा की ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले जहां LAC पर चीनी सैनिकों के साथ फेस ऑफ की स्थिति में धक्का मुक्की और गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो जाती थी और भारतीय सैनिक इसके लिए तैयार रहते थे, वही अब मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जा रहा है। खासकर गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प के बाद इसकी ज्यादा जरूरत महसूस हुई। अब ऑर्गेनाइज तरीके से यूनिट स्तर पर सैनिकों को इजरायली मार्शल आर्ट्स कव मागा सिखाया जा रहा है। सैनिकों को कव मागा दूसरी मार्शल आर्ट्स के साथ मिलाकर सिखाया जा रहा है ताकि यह ज्यादा प्रभावशाली हो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय पश्चिमी एशिया के दौरे पर है। कल वो सऊदी अरब पहुंचे। यहाँ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही महल में उनका जोरदार स्वागत किया। ये पहला मौका है जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में बाइडेन ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के उच्च नेताओं के सामने 2018 में मारे गए सऊदी पत्रकार जमाल खगोशी का मामला उठाया। उन्होंने मीटिंग में मानवाधिकारों और राजनीतिक सुधार की आवश्यकता पर भी चर्चा की। बाइडेन ने कहा कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, बैठक में मैंने स्पष्ट किया कि मानवाधिकारों का विषय मेरे और अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सऊदी पत्रकार खगोशी की हत्या का मामला शीर्ष नेताओं के सामने उठाया। मैंने साफ किया कि मैंने हत्या के समय इसके बारे में क्या सोचा था और अब मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। याद रहे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बाइडेन ने मानवाधिकार मामलों पर सऊदी अरब की तीखी आलोचना की थी। बाइडेन ने पिछले साल एक अमेरिकी खुफिया जानकारी जारी करने की मंजूरी दी थी, जिसमें माना गया था कि युवराज सलमान ने संभवतः खगोशी की हत्या को मंजूरी दी थी। ये रिपोर्ट्स जारी होने से अमेरिका सऊदी संबंधों में दरार आ गई थी। तो वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।